हेलो गाइस, दिस इज़ एन फ्रॉम dkeptech.com। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने एडोबी इनडिज़ाइन को इंस्टॉल कर लिया होगा अपने सिस्टम में। अगर नहीं इंस्टॉल किया है या नहीं कर पा रहे हैं तो आप लास्ट का एपिसोड देखें, वहाँ पर मैंने बताया हुआ था कि किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा एडोबी इनडिज़ाइन ऑलरेडी ओपन है। अब कैसे क्या हमें क्रिएट करना है डॉक्यूमेंट्स, तो थोड़ा सा इंटरफेस पर बात करते हैं। जैसे कि जस्ट हमने इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मेनू बार है इसका, और ये भी ट्रायल पीरियड में चल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 डेज ट्रायल लेफ्ट दिखा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए, कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, रिसेंट फाइल्स यानी कि जो आप रिसेंट वर्क करते हैं वो यहाँ पे आपको शो करता है। और क्रिएट न्यू पे, अगर आपको क्रिएट न्यू करना है तो क्रिएट न्यू पे करिए, और ओपन करना है आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है तो ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी क्रिएट न्यू का ही ऑप्शन है। गेट स्टार्टेड पे आएंगे तो क्रिएट समथिंग न्यू, स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट बाय क्रिएटिंग ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ से आप ब्लैंक, चाहे आप यहाँ से क्रिएट न्यू करें या फिर यहाँ से। तो लर्न पे आएंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको ट्यूटोरियल्स भी ले जाएगा, ट्यूटोरियल्स भी वॉच कर सकते हो एडोबी की तरफ से। तो अभी हम वर्क पे आते हैं, ऑलरेडी आप ट्यूटोरियल देख ही रहे हैं, आप उसको भी वॉच करना चाहते हैं तो वॉच कर सकते हैं। तो वर्क पे आएंगे और यहाँ पे क्रिएट न्यू, या फिर यहाँ से हम क्रिएट न्यू पे करते हैं। तो ये आपकी एक विंडो ओपन होकर आती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे योर रिसेंटली आइटम्स जो होते हैं आपने ओपन किए होते हैं, यूज़ किए होते हैं, वो यहाँ पे शो करता है। तो मेरे कुछ शो कर रहा है यहाँ पर फिलहाल। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे सेव वाले ऑलरेडी, जो आप एडोबी से आप उनको इंस्टॉल कर लेते हैं, सॉरी आप उनको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये आगे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे एक और ऑप्शन है प्रिंट का। तो आप प्रिंट मीडिया के लिए वर्क कर रहे हैं, प्रिंटिंग के लिए, तो आप यहाँ पे प्रिंट का इस्तेमाल करिए। सो फ्रेंड्स, प्रिंट पे आए तो प्रिंट पे आपने देखा कि यहाँ पे लीगल लेटर कुछ आपको ऑलरेडी प्रीसेट्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको साइज़ नहीं कुछ करना है, बट अगर आप अपने हिसाब से साइज़ रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके अपना प्रीसेट भी बना सकते हैं। तो नीचे की, जैसे कि मैंने बताया, टेम्पलेट्स कुछ आपको मिल जाते हैं, कुछ विस्टिंग्स मिल जाएंगे, और आपको कुछ ब्रोशर्स वगैरह के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो आप इनका यूज़ करके आप अपना टेम्पलेट्स बना सकते हो। कुछ बुक्स के भी मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, यहाँ से आप बुक्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं, आप डायरेक्टली उन पर क्लिक करके भी कर सकते हो। बट हम चूँकि सीखने जा रहे हैं तो स्टार्टिंग से बिल्कुल सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आगे वेब के लिए आप करना चाहते हो तो वेब के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो ये फिर मोबाइल के लिए भी ऐसा ही कुछ होता है। तो सबसे पहले हम प्रिंट के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्रिंट पे आए, और यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ से कोई एक प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हो, लेटर का ले सकते हो, लीगल, तो अब जो भी आपको पसंद है आप वो ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जो यूनिट्स है, देखिए कई यूनिट्स पे ये पिकास का शो कर रहा है। आप पॉइंट्स ले सकते हो और इंचेस में ले सकते हो, या मिलीमीटर्स में ले सकते हो, सेंटीमीटर्स में ले सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे आप यूज़ करो। बट यहाँ पे जो हम यूज़ करने आ रहे हैं वो इंचेस में ले रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे पिक्सल्स में भी ले सकते हो। तो इंचेस में लिया मैंने, एक लेटर जो है हमारा 8.5 इंच और 11 का है, और ये ओरिएंटेशन जो है इसकी वो हम लैंडस्केप रखते हैं। तो यानी 11 इसकी जो होगी विड्थ होगी, और हाइट जो होगी 8.5 इंच होगी। अब कितने पेजेस लेने हैं आपको, तो फेसिंग पेज पे हम क्लिक करके रखते हैं, यानी कि जो अब मान लीजिए कोई बुक आप बना रहे हो, ठीक है, तो उसका जो कवर होता है वो फेसिंग पेज हो गया मान लीजिए। तो हमने फेसिंग पेज पे अभी इसको प्राइमरी टेक्स्ट को भी फ्रेम, अभी इसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल, इंट्रोडक्शन है जस्ट। आप कितने पेज लेना चाहते हो, एक लेना चाहते हो, दो लेना चाहते हो, जितने भी लेना चाहते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब मान लीजिए आप ब्रोशर डिज़ाइन कर रहे हो, तो आप उसमें आपको 2 कॉलम्स की ज़रूरत पड़ सकती है, 3 कॉलम्स की ज़रूरत पड़ सकती है, कितने कॉलम्स लेना चाहते हो। तो हमने कहा भाई 3 कॉलम्स ले लिए, मान लीजिए मैं एक ब्रोशर बनाने जा रहा हूँ। गटर यानी कि जो कॉलम्स होंगे उनके बीच की स्पेसिंग कितनी आप रखना चाहते हो। तो स्पेसिंग के लिए आप जैसे 1.16 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इतनी रखते हैं बाई डिफॉल्ट इसकी। और मार्जिन्स पे आते हैं कि कितनी मार्जिन्स रहेगी, हमारा जो मेन कंटेंट रहेगा। तो इसमें ऑलरेडी टॉप से 0.5 इंच दिया, 0.5 इंच बॉटम्स दिया है, तो इतनी रहने देते हैं। और इन साइड से 0.5 और 0.5 दिया हुआ है, तो चलिए। और इसके बाद में आपको ऑप्शन आता है ब्लीड एंड स्लग का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे ये 0 दिया हुआ है। ब्लीड का ऑप्शन क्या होता है कि ये हम एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें देना चाहते हैं, कि मान लीजिए कि आपका प्रिंटिंग के लिए आपने दिया हुआ है, तो जो आपका साइट होता है कुछ ज़्यादा कम कट जाए, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा कुछ यहाँ से ब्लीड दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ब्लीड एंड स्लग, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर ट्रिम होता है जिस समय हमारा प्रिंट, फाइनल प्रिंट जो होता है, तो उसमें अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं होता है, इस वजह से हम यहाँ पे देते हैं। तो हम यहाँ पे
हम इसको 0.3 या 0.2 ऐसे कुछ करके दे देते हैं, ठीक है। तो 0.2 दे दिया। अब देखिए सब पे नहीं शो करेगा, बट मैं चाहता हूँ ये जो सेटिंग दी है मैं सब पे बराबर तो शो हो, तो यहाँ पे इसको अनचेक कर देंगे, ठीक है। तो अभी सब पे आ गया 0.2 0.2। अब स्लग क्या होता है? स्लग का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे हमें जो टॉप का हो गया बॉटम का हो गया, इनसाइड में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनसाइड में ज़रूरत नहीं पड़ेगी ब्लीड की, चूँकि जो जो कटिंग होगी वो बाहर बाहर की होगी, चूँकि हमारा क्या है ब्रोशर के लिए हम वो कर रहे हैं। तो चाहो तो इनसाइड के लिए मत दो, टॉप में दे दो, बॉटम में दे दो, आउटसाइड का सब दे दो, बट ये चाहे तो आप 0 भी इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंटर कर दिया मैंने। सो अब इसको आप देखेंगे ये आपका आ गया है, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ रेडी हुआ है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाली मार्जिन है 0.5 0.5 करके आया हुआ है, तो यहाँ से आपके कॉलम्स आ गए और ये हमारा ब्लेड आया हुआ है। तो ये इनसाइड में नहीं किया हुआ, तो ये लेफ्ट का हो गया है। तो आप इसको दोबारा भी कर सकते हो, फाइल पे आओगे और फाइल पे आने के बाद में आप डॉक्यूमेंट सेटअप्स पे भी आओगे, यहाँ से भी आप दोबारा कर सकते हो इसको, तो कोई इशू नहीं। यहाँ पे मैंने इनसाइड 0 किया हुआ था, यानी कि ये लेफ्ट टॉप बॉटम लेफ्ट आउटसाइड का था। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 0.2 इसमें भी दे देता हूँ भाई, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो अब देखिए बराबर चारों तरफ से आ गई, तो ये यहाँ पे इस तरीके से हुआ। फिर आएंगे फिर से डॉक्यूमेंट सेटअप पे आते हैं, और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, स्लग वगैरह कुछ देना है। स्लग का मतलब क्या होता है कि अब मान लीजिए कि दोनों का लगभग एक ही जैसा यूज़ होता है, बट स्लग में हम क्या करेंगे कि ये टॉप का बॉटम का, मैंने बॉटम पे 0.2 दे दिया और ओके कर दिया। तो अब यहाँ पे स्लग ये आ गया नीचे, ठीक है, 0.2 दे दिया, या इसको ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ हो गई। अब 0.2 दे दिया। अब यहाँ पे हम कुछ टाइप करना चाहते हैं कि भाई ये इसकी डिटेल, मान लीजिए मैं ब्रोशर की डिटेल देना चाहता हूँ कि ये इस साइज़ का रहेगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे देंगे और ये कटिंग में निकल जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इस वजह से हम यहाँ पे ब्लीड और स्लग का यूज़ करते हैं। तो आगे चल के जब हम किसी, अभी हम इसके बाद में सीधा मैं ब्रोशर ही लाऊंगा, ब्रोशर पर डिज़ाइन करेंगे, ब्रोशर डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बेसिक जो है वो आपका ऐसे प्रोजेक्ट डायरेक्टली काम करेंगे। तो आप ये देखिए यहाँ पे पूरा इंटरफेस है आपका सामने, तो आप देख सकते हैं। ये आपको मैं एक बार बताना चाहूँगा, ये आपका मेनू हो गया, मेनू बार हो गया, फिर उसके बाद में ये वाला जो पैनल आता है ये प्रॉपर्टी आप पैनल बोल सकते हो या प्रॉपर्टी बार बोल सकते हो, क्योंकि हम जो भी टूल सेलेक्ट करते हैं जब भी कुछ करते हैं तो ये प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है, प्रॉपर्टी बार चेंज होता रहता है। ये आपका टूल्स हैं यहाँ पे, तो ये सारे आपका टूल बार कह सकते हो, टूल पैनल भी बोल सकते हो इसको। आप इसको यहाँ पे क्लिक करके सिंगल रो में भी दिखा सकते, सॉरी सिंगल कॉलम में भी दिखा सकते हो या डबल कॉलम में, या देखिए यहाँ पे हर तरीके का ऑप्शन है। या ये देखिए सिंगल में हो गया, फिर यहाँ पे डबल में भी हो गया, ये सिंगल रो में हो गया यहाँ पे आपका। तो इसको अपने हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं, जहाँ पे चाहें वहाँ पे उठा के रख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। और ये आपका वर्किंग एरिया हो गया। फिर यहाँ पे देखिए जैसे आएंगे तो पेजेस का ऑप्शन दे देता है, फिर लेयर्स आती हैं, लिंक्स आते हैं, लिंक्स वगैरह का यूज़ हम पीडीएफ जब बनाएंगे तो वहाँ पे लिंक्स देते हैं, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये किस लिए होता है यहाँ पे, अब जैसे ये यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोई भी चीज़ हमें कलेक्ट करनी हुई, कोई चीज़ बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इन सभी चीज़ों का यूज़ आने वाला है। तो अब क्या आया, पेज हो गया आपका, ठीक है। पेजेस अगर आप यहाँ पे और बनाना चाहते हो तो राइट क्लिक करके आप इंसर्ट पेज कर सकते हो। अब पूछ रहे हैं कहाँ पे, आफ्टर पेज या बिफोर पेज, जो भी यहाँ पे जैसे करना चाहते हो, और मास्टर पेज, तो हमने क्या आफ्टर पेज, तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर आपका मेन हो गया और इसके बाद में नीचे शो कर रहा है। फिर उसके बाद में और भी आपको कुछ करना है, डिलीट करना चाहते हो तो फाइनली डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हो गया। अब आपका क्या बचता है गाइज, ये हो गया, लेयर्स हो गए, लिंक्स हो गए, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। और लेयर्स आपको बनाने हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेयर्स बना सकते हो, फिर उनको डिलीट भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि आपको फोटोशॉप आता होगा तो आपको ये काफ़ी इजी लगेगा, क्योंकि ये लगभग देखा जाए तो लगभग फोटोशॉप की तरीके से, बट इसका यूज़ है वो प्रिंट मीडिया के लिए बहुत ज़्यादा एडोब इनडिज़ाइन का किया जाता है। इसी वजह से मैं इस पर ट्यूटोरियल्स बनाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगेंगे,
और नेक्स्ट एपिसोड में हम ब्रोशर पे काम करेंगे और ब्रोशर डिज़ाइन करेंगे कि इसमें कैसे क्या ब्रोशर डिज़ाइन कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके सारे टूल्स भी क्लियर हो जाएंगे जो भी आपके टूल्स हैं यूज़ होने हैं इसमें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, चूँकि हम इस पे काम करेंगे, जैसे कि आपका ब्रोशर हो गया, ब्रोशर कैसे डिज़ाइन करना है, फ्लायर हो गया कैसे डिज़ाइन करना है, और न्यूज़पेपर की सेटिंग्स वगैरह पे भी हम काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।